बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू लेक्चर नंबर 32 ऑफ बिजनेस स्टैटिस्टिक्स। जैसे कि स्टूडेंट्स आपको याद होगा कि हमने जो है वो ये हमने ये लेक्चर स्टार्ट करा था 31 से रिवीजन के नाम पर, और हमने एक जो है वो टॉपिक जो आप बहुत पहले पढ़ चुके थे लेकिन वो थोड़ा सा मुश्किल टॉपिक था और जो है मैं समझता था कि उसको हमने बहुत जल्दी से जो है वो उसकी हमने प्रैक्टिस भी कम करी थी, तो उसकी एक क्वेश्चन जो है मैंने इससे पहले आपको सॉल्व करवाया था। और फिर मैंने आपको ये बताया था कि ये रिवीजन कराने का असल मकसद ये है कि हमें एक नई डायग्राम हमें सीखनी है, जो कि हमने मेन लेक्चर के अंदर हमने उसको छुड़वाई थी। उसकी वजह ये थी कि ये बहुत जो है वो मतलब यानी इंपॉर्टेंट नहीं है डायग्राम, और ये आती भी नहीं है, लेकिन फिर भी चूंकि 100% सिलेबस को कवर करने के लिए जो है वो मैंने कहा कि आखिर में इस डायग्राम को भी हम आपको इंट्रो करवा दें और ये आपको सिखा दें कि ये डायग्राम कैसे बनती है, जिसका नाम है उगेव कर्व। ठीक है, आज हमारा मकसद यही है कि ये सवाल हम पहले सॉल्व कर चुके हैं पिछले लेक्चर के अंदर। पिछले लेक्चर के अंदर हमने देख लिया था कि कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन लेस देन और मोर देन कैसे बनाते हैं, ये सारी चीज़ें आपके सामने आ गई थी। आज हम जो है वो सीखेंगे उगेव कर्व। उगेव कर्व बनाने के लिए आपके पास सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि आपने जो है वो अपने पास स्केल ज़रूर रखना है, और इसको हम ड्रॉ करेंगे पेंसिल से। ठीक है जी, हम इसको जो है वो पेंसिल से ड्रॉ करेंगे, और आपके पास स्केल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चले हम शुरू करते हैं। आपको जैसे कि ये पता है कि ये हमारा ओरिजिन होता है, ये मेरे पास एक्स एक्सिस है और ये मेरे पास वाई एक्सिस है। ठीक है, अच्छा अब उसके बाद क्या करते हैं हम ये एक एक सेंटीमीटर के ऊपर या फिर लाइनों के ऊपर जो है वो हम ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है जी, इधर भी हम कर लेते हैं इसी तरह। मैं अंदाजे से कर रहा हूँ लेकिन आपने जो है वो ये काम स्केल से रख के करना है। एक एक सेंटीमीटर का हमने फासला लेना है। देखिए, वाई एक्सिस के अंदर हम किसको रखेंगे, वाई एक्सिस के अंदर हम रखेंगे कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी को। ठीक है, तो मैं यहाँ पे मुख्तसर से CF लिख देता हूँ, आप अपने पास जो है वो इसको पूरा कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी, चूंकि मेरे पास जगह कम है, आप लोग कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी पूरी लिखिएगा यहाँ पर। और यहाँ पर हम रखेंगे क्लास बाउंड्रीज को। ठीक है जी, यहाँ पर हम रखेंगे क्लास बाउंड्रीज। सो सबसे पहले हम क्लास बाउंड्रीज उतार लेते हैं। तो क्लास बाउंड्रीज आपको पता है उतारने का तरीका ये होता है कि 29.5 से शुरू करते हैं और फिर ऐसे करके हम इसको उतार लेते हैं, क्योंकि ये सारे नंबर फिर यहाँ पर भी लिखे हुए होते हैं तो रिपीटेशन ना हो। तो 29.5 से शुरू करेंगे और 39.5 तक। तो सबसे पहला नंबर है मेरे पास 29.5, 39.5, 59.5, 69.5, 79.5, 79.5, देन आखिर में 99.5। ठीक है जी, ये हमारे पास हो गया 99.5। अच्छा, अब यहाँ पर हमें कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी निकालनी है। तो कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी हम देखें मैक्सिमम हम कहाँ तक जा रहे हैं, तो मैक्सिमम मुझे नज़र आ रहा है कि हम 100 तक जा रहे हैं। ठीक है ना, दोनों जगहों पे लाजिम बात है 100 से ज़्यादा या कम नहीं हो सकता, तो 100 तक हम जा रहे हैं। और इसका मतलब ये हुआ कि हमें यहाँ पर जो यूँ समझ लें कि हमें यहाँ पर जो नंबर जो है वो हमें जो ड्रॉ करने हैं वो 100 तक करने हैं। अब गैप आप अपनी मर्जी से ले सकते हैं, 5-5 का गैप ले लें, 10-10 का गैप ले लें। ठीक है, आपके पास जिस तरह जगह हो आप उस तरह ले सकते हैं, 20-20 का भी ले सकते हैं, लेकिन ये कि उससे बहुत छोटा सा बनेगी डायग्राम। तो मेरे ख्याल में 10 जो है वो बहुत मुनासिब है। मैं अपने पास जो है वो 10 का गैप ले देता हूँ, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, then 100। ठीक है जी, ये हमारे पास जो है वो कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी हमने यहाँ पे ड्रॉ कर दी। अब देखिए बनाएंगे कैसे, अभी हम सबसे पहले जो है ना लेस देन का हम कर्व बनाएंगे, सबसे पहले हम लेस देन का कर्व बनाएंगे, फिर आखिर में मोर देन का बनाएंगे। तो अभी हम लेस देन की तरफ देखते हैं। तो लेस देन के ऊपर आप देखें कि मुझे यहाँ पर दिखा रहे हैं इसके अंदर कि ये 39.5 के ऊपर जो हमारे पास कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी आ रही है वो 2 आ रही है। तो देखिए 39.5 ये रहा मेरे पास, ठीक है, और इसके अंदर जो कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी वो क्या बता रहे हैं, 2 बता रहे हैं। तो यहाँ पर 10 से लेकर ये 0 तक जो का जो मामला है 2 इधर ही होगा, बिल्कुल नीचे की तरफ। तो मैंने यहाँ पर पॉइंट लगा दिया छोटा सा, ठीक है, अंदाजे से आप भी लगा दीजिएगा। मैंने यहाँ पे पॉइंट लगा दिया 39.5 पे 2 पे, फिर उसके बाद 49.5 पे 5 है। ठीक है जी, तो उसके बाद 49.5 पे 5 है, तो ये 5 बीच में होगा, 10 बिल्कुल इन दोनों लाइनों के बीच में होगा, तो मैंने वहाँ लगा दिया। उसके बाद कह रहे हैं कि 59.5 पे 16 है, तो ये रहा 59.5 और 16 मेरे पास जो है वो इधर होगा तकरीबन, तो मैंने यहाँ पर जो है वो पॉइंट लगा दिया 59.5 के ऊपर। अच्छा, उसके बाद फिर कह रहे हैं कि 69.5 पे 36 है, तो 69.5 पे 36 जो है वो तकरीबन इधर होगा, 30 और 40 के बीच में, सही है, तो मैंने जो है वो यहाँ पर पॉइंट लगा दिया। फिर उसके बाद जो है वो कह रहे हैं कि 79.5 पे 68 है, तो 79.5 पे 68 वो तकरीबन जो है वो 70 के करीब होगा, 70 से लेकिन नीचे, तो वो मैंने यहाँ पर पॉइंट लगा दिया। ठीक है, उसके बाद फिर कह रहे हैं कि 89.5 पे 93 है, तो 89.5 पे 93 तकरीबन 90 से थोड़ा सा ऊपर होगा, तो मैंने वहाँ पर पॉइंट लगा दिया।
और फिर उसके बाद जो है वो आखिर में कह रहे हैं कि 99.5 पे 100 है, तो 99.5 पे 100 पे लगा दिया, बिल्कुल टॉप पर ये रहा। ठीक है, अब आपने करना क्या है, अब आपने स्केल लेना है, इन पॉइंट्स को आपस में जो है वो ज्वाइंट करना है। ठीक है, मैं स्केल से नहीं कर रहा क्योंकि लाजमी बात है स्केल बहुत बड़ा है, आप लोग जो है वो स्केल से करिएगा, स्केल से आप इसको ज्वाइन कर लें। ये सारे पॉइंट्स ज्वाइन होगा। अच्छा, ये 29.5 यहाँ पे रहता है और यहाँ पर चूंकि 29.5 का है ही नहीं मामला, तो मैं ये सपोज कर सकता हूँ कि 29.5 पे जीरो पर है, तो मैं यहाँ पे इसको ये 29.5 पे जीरो पे ले गया ताकि ये नीचे तक आ जाए। ठीक है, इसका नाम मैंने क्या रखा है इस कर्व का, ये लेस देन है क्योंकि अभी मैंने लेस देन को सॉल्व करा है, तो ये लेस देन कर्व है। अच्छा चले, मैं इसको आखिर में लिख लूँगा ताकि जो है ना अभी मोर देन बनाने में मुश्किल ना हो। ठीक है, इसको मैं आखिर में लिख लूँगा, ये लेस देन का कर्व बन गया। अब हम चलते हैं मोर देन की तरफ, तो देखिए मोर देन में क्या कह रहे हैं कि 29.5 पे 100 है, तो ये रहा 29.5 और ये 100 है इसके ऊपर, तो मैंने ये 100 पे लगा दिया। ठीक है, उसके बाद फिर कह रहे हैं कि 39.5 पे जो है वो 98 है, तो 39.5 पे 98 थोड़ा सा नीचे ही होगा उससे। उसके बाद फिर कह रहे हैं कि 49.5 पे 95 है, तो 49.5 95 है, यस। फिर उसके बाद कह रहे हैं कि 59.5 पे जो है वो 84 है, तो 59.5 पे 84 तकरीबन इधर होगा। ठीक है, फिर उसके बाद कह रहे हैं कि 69.5 पे 64 है, तो 69.5 पे 64 तकरीबन इधर है। अच्छा जी, उसके बाद फिर कह रहे हैं कि 79.5 पे 32 है, तो 79.5 पे 32 यहां पर है। और फिर उसके बाद जो है वो आखिर में कह रहे हैं कि 89.5 पे 7 है, तो 89.5 और 7 जो है वो 10 से थोड़ा सा नीचे होगा। ठीक है, अब इसको भी आपने क्या करना है, ये जो पॉइंट्स हमने यहां पर बनाए हैं इसको भी हम किससे वो कर देंगे ज्वाइन, स्केल से। मैं यहां पे डायरेक्ट कर रहा हूं, आप लोग स्केल से ज्वाइन कर दीजिएगा इन पॉइंट्स को। सही है, यहां पे बच गया 99.5, तो 99.5 पे मैं सपोज करूंगा कि ये जीरो पर है, सपोज कि हकीकत भी यही है। ठीक है, अब आप यहां पर लिख लें कि ये मेरा बना है लेस देन, ये लेस देन है और ये मोर देन है, ये हमारा ओगेव जो है वो रेडी हो गया। ठीक है जी, बहुत आसान था, उगेव कर्व आपने जो है वो बनाना सीख लिया कि एक कर्व हमारा बनता है लेस देन का और दूसरा कर्व बनता है हमारा मोर देन का। देखिए जब भी ये दोनों वो एक ही डायग्राम में बनाने का बोलेगा ना कि लेस देन मोर देन, जैसे इसने यहाँ पे सिर्फ सिंपल उगेव कहा हुआ है, तो हम उगेव जब उसने कह दिया तो हम ये सपोज करेंगे कि हमें जो है वो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी यानी लेस देन जो है लेस देन का भी कर्व बनाना है और मोर देन का भी कर्व बनाना है। तो ये जब भी बनेंगे तो हमेशा एक्स का जो शेप है ना वो बनेगा लाजमन। ठीक है, एक्स का शेप लाजमन आएगा इसके अंदर कि एक्स की शेप के जरिए ही जो है वो लेस देन और मोर देन जो है वो सामने निकल कर आएंगे। ठीक है, और अगर वो सिर्फ ये कहे कि सिर्फ लेस देन का बना है तो लेस देन आपको पता है कि वो इस तरफ हमेशा इसका जो है वो रुख होगा और मोर देन का हमेशा जो है वो यू हो रहा होगा, यानी कि वो यू वाई एक्सिस की तरफ वो जा रहा होगा। तो इसको बना आप अपने पास इसको जो है वो खूब प्रैक्टिस करिएगा इंशाल्लाह ताला। इसका एक और क्वेश्चन जो है वो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इसको सॉल्व करवाएंगे ताकि उगेव कर्व जो है वो आपको मजीद जो है वो समझ में आए। इसको जो है वो लेक्चर देखते हुए इसको जरूर अपने साथ अपने कॉपी के ऊपर जो है वो इसको ड्रॉ करिएगा ताकि आपको जो है वो साथ साथ समझने में और बनाने में कोई डिफिकल्टी ना हो। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में इससे आगे बढ़ेंगे। जज़ाकुमुल्लाह खैरन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।